हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं बिल्ड बैटल चैलेंज और वो भी हीरो ब्राइन के साथ, जिसमें हम बनाएंगे बहुत ही खतरनाक और भाई साहब ओपी ओपी वाले हाउस, ताकि हम लोगों को ये पता चले कि नूब कौन है और रियल में प्रो कौन है। बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हीरो ब्राइन की हरकतें तो आप लोग जानते हो कि वो अपनी पावर्स की मदद से बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाले हाउस भी बना सकता है। लेकिन अगर हीरो ब्राइन ने ऐसा करा तो मैं भी उसके साथ चीट करूंगा, क्योंकि गाइस मैंने भी कुछ खतरनाक वाले मूड डाल रखे हैं जो अभी तक भी हीरो ब्राइन को नहीं पता। लेकिन देखना यह है कि आखिर में नूब कौन होगा और प्रो कौन होगा। लेकिन एक मिनट, ये क्या है बे? अच्छा नहीं नहीं हीरो ब्राइन ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तुमने अपनी औकात दिखा दी ना। देखा ना गाइस आप लोगों ने, हीरो ब्राइन ने अपनी पावर्स निकाल ली हैं घर बनाने के लिए। लेकिन हीरो ब्राइन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चले। ओ मैं अपनी पावर्स यूज नहीं करूँगा। अरे लेकिन हीरो ब्राइन तुम्हारी इस बात का यकीन कौन करेगा? ओ लेकिन फिर भी तुम जीत नहीं पाओगे। ये क्या बे गाइस, हीरो ब्राइन ने मेरे को ओपन चैलेंज कर दिया। लगता है आज हीरो ब्राइन को बताना होगा कि असल में नूब कौन है और प्रो कौन है। हीरो ब्राइन तुम किस साइड पे अपनी बिल्ड बनाओगे, वॉल के इस पार या फिर उस पार? ओ गाइस लगता है हीरो ब्राइन तो उस पार जा रहा है और कुछ बहुत ही खतरनाक बनाने वाला है, तो मुझे भी अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये रहे गाइस खतरनाक वाले मूड्स, जिनकी मदद से मैं ऐसे ऐसे घर बना सकता हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन अभी मैं चीट नहीं करूंगा, पहले तो मैं हीरो ब्राइन को देखूंगा कि वो भूतनी का क्या करता है। अगर तो उसने अपनी पावर्स का यूज करा तो फिर मैं भी मूड का यूज करूंगा। लेकिन एक मिनट, अभी तो हीरो ब्राइन मेरे को नहीं देख रहा, तो एक काम करता हूँ, फटाफट कमांड का यूज करता हूँ ताकि मैं प्रो दिखूं, और इसको कर देता हूँ फिल। और फाइनली गाइस देखा आप लोगों ने, अभी मुझे बनाना पड़ेगा अपने घर के लिए एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले हीरो ब्राइन को देखते हैं कि आखिर वो क्या बना रहा है। लेकिन इस बात का इसको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो बोलेगा कि तुमने मुझे देख के मेरी कॉपी करी है। ओ भाई साहब ये क्या बना रहा है? ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही खतरनाक वाली चीज बना रहा है। लेकिन क्या पता नहीं गाइस, मैंने तो ये सोच रखा था कि मैं ओपी हाउस बनाऊंगा और वैसा घर हीरो ब्राइन ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। लेकिन हीरो ब्राइन तो पता नहीं क्या ही बना रहा है। लेकिन जो भी हो, मुझे हीरो ब्राइन को कैसे भी करके बीट करना होगा। एक मिनट गाइस, कहीं ये अपनी पावर्स का यूज तो नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी स्पीड से ये काम कर रहा है उतनी स्पीड से तो कोई इंसान नहीं कर सकता। बाप रे बाप, मुझे भी जल्दी से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। और गाइस आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोगों को अपने चैनल पर 6 लाख सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करने हैं, लेकिन काफी लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसे ही मजेदार वीडियो आप सभी लोग देख पाओ, और वीडियो को भी लाइक करना। तो फाइनली गाइस, अभी मैं सोच रहा हूँ अपने लिए एक बहुत ही ओपी घर बनाने का, और वो घर ऐसा होगा कि हीरो ब्राइन ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। और गाइस हीरो ब्राइन के साथ बैटल करने का अपना मजा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो हीरो ब्राइन बना क्या रहा था। ऐसा लगता है जैसे हीरो ब्राइन चाहता है कि वो प्रो रहे। ओ तो ओके गाइस, अभी यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ थोड़ी सी लकड़ी, ताकि ये जो मैं घर बनाने वाला हूँ ना, इसका डिजाइन मैं बहुत ही ओपी तरीके से बना पाऊँ। लेकिन अब देखना यह है कि क्या मैं उस लेवल का बना पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये जो भूतनी वाला है ना हीरो ब्राइन, वो किसी भी सूरत में मुझे जीतने तो नहीं देगा, लेकिन मेरे पास जो मूड्स है ना वो ही मुझे जिताएंगे। लेकिन इस बात का पता हीरो ब्राइन को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि फिर वो अपनी पावर्स का यूज करेगा, और अगर उसने ऐसा करा तो फिर हो सकता है कि वो मुझे नूब बना दे। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ओके गाइस, कुछ हद तक मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बना। एक मिनट, बाप रे बाप, ये हीरो ब्राइन मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है? लेकिन इसके ये इसने क्या बना दिया? ओ भाई साहब, वही हुआ जिसका डर था, और इतनी जल्दी। हीरो ब्राइन तुमने ये क्या कर दिया? अब कुछ बताओगे कि नहीं? तुमने चीटिंग करी, तुम नूब हो। ओ माय गॉड, ये क्या बोल रहा है हीरो ब्राइन मेरे को? गाइस लगता है दाल में कुछ काला तो है। हीरो ब्राइन प्लीज मुझे बता दो कि तुमने अपनी ओ अरे
ये क्या कर रहे हो? हीरो ब्राइन नहीं, चल भाग भिखारी कहीं का, अपने अपने एरिया में जा। गाइस मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हीरो ब्राइन के अंदर प्रो बनने की इतनी ज्यादा भूख होगी। इसका मतलब इसने अपनी पावर्स का यूज एक मिनट। भाई साहब आखिर इसने बनाया क्या है? लेकिन मुझे तो ये कुछ नॉर्मल चीज नहीं लगती। पता नहीं हीरो ब्राइन ने ये क्या बना दिया। इसका मतलब मुझे भी अपने मूड का यूज करके इसको बीट करना होगा, नहीं तो मैं तो नूब होऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। 1 2 3 4 मंजिल। भाई साहब क्या हो एक मिनट, हीरो ब्राइन ये तुमने अच्छा नहीं करा। तुमने हमारे साथ चीटिंग करी है और अब मैं भी करूंगा। मतलब तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ और मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और तुम्हें बीट करके दिखाऊंगा। ओ गाइस, हीरो ब्राइन का कहना है कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, लेकिन तुम मुझे नूब नहीं बना सकते। बाप रे बाप, एक मिनट, लगता है इसको बताना पड़ेगा कि मैं भी क्या क्या कर सकता हूँ। और गाइस मुझे तो लगता है कि हीरो ब्राइन ने ये टावर बनाया। एक मिनट, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अपने मूड्स की मदद से एक घर को स्पॉन कर देता हूँ। इसको हटाओ भाई साहब, अब तो मैं अपने मूड की मदद से ऐसी ऐसी चीजें बनाऊंगा कि हीरो ब्राइन को रोना आ जाएगा। ओके, अभी मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक ट्री हाउस और इसको बिल्ड करता हूँ। और फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो, भाई साहब क्या ही हाउस है। आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो हीरो ब्राइन वाली सीरीज है और ये घर जीरो ब्राइन ने बनाया था। और फाइनली मैंने इसको यहाँ पे स्पॉन कर दिया। और अभी हीरो ब्राइन देखेगा ना तो गाइस आप सभी लोग नोट करना, वो मुझसे जलेगा। और गाइस आप सभी लोग अभी इसका कंपैरिजन कर सकते हो मुझे कमेंट में बता के कि मेरा ट्री हाउस बेस्ट है या फिर हीरो ब्राइन का टावर। भाई साहब वैसे मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे घर में रहने का मेरा बहुत दिल करता है। यहाँ पर चेस्ट है, क्राफ्टिंग टेबल है, बेड भी पड़ा हुआ था। लेकिन गाइस आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग इस घर को 10 में से कितने दोगे, कमेंट में बताना। और हीरो ब्राइन के टावर का भी बता देना आप लोग। तो चलो अभी हीरो ब्राइन के पास चलते हैं और उसको बताते हैं कि अब आके वो मेरा घर देखे और उसको पता चले कि असल में प्रो बंदा कौन है चीटिंग के साथ और नूब कौन है। हीरो ब्राइन ने अपनी पावर का यूज करा, मैंने करा अपने मूड्स का यूज, और अभी तो मेरे पास और भी। एक मिनट, अरे ये क्या है बे? भाई साहब ये तो कोई पार्क लगती है। और ये हीरो ब्राइन, ये तुमने क्या बना डाला? भाई साहब ये हमेशा हम लोगों से एक कदम आगे क्यों चलता है? मैंने तो एक नॉर्मल सा ट्री हाउस बनाया, लेकिन इस भूतनी वाले ने तो पूरी की पूरी पार्क बना दी और इसके अंदर स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। भाई साहब झूले वगैरह भी हैं इसके अंदर। ओ माय गॉड, ऐसी पार्क तो मैं भाई साहब माइनक्राफ्ट के अंदर सोच भी नहीं सकता था। हीरो ब्राइन वैसे तुम बहुत ही गजब आदमी हो। वैसे जो भी तुम्हारे दुश्मन है ना, तुम्हें उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन गाइस क्या लगता है कि मैं हीरो ब्राइन को अपने मूड्स की मदद से टक्कर दे पाऊंगा? लेकिन मुझे तो इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि देखो ना मैंने एक नॉर्मल सा ट्री हाउस बनाया। ओ यहाँ पर केक वगैरह भी खा सकते हैं। भाई साहब ये बैठने की जगह है और यहाँ से सीधा हम लोग जंप करके स्विमिंग भी कर सकते हैं। भाई क्या ही गजब, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताना मेरे को कि ये वाली हीरो ब्राइन हमारा दुश्मन है इस वीडियो में, लेकिन हीरो ब्राइन की तारीफ करना बनता है भाई साहब, क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि आप लोग मतलब बिलीव नहीं कर सकते यार। मैं खुद भी बिलीव नहीं कर सकता कि माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसा काम भी हो सकता है। हीरो ब्राइन तुम एक बार चलो मेरा घर जाके देखो जो मैंने अभी अभी बनाया है अपनी मेहनत के साथ, क्योंकि यार उसको देखने के बाद ये डिसाइड होगा कि आखिर कौन प्रो है और कौन नूब। तो ओके गाइस, अभी मैं हीरो ब्राइन को लेके जा रहा हूँ अपने एरिए की तरफ, क्योंकि मैंने जो ट्री हाउस बनाया है ना उसका कंपैरिजन करना आप सभी लोग, और कमेंट में बताना कि अभी ये जो मेरा ट्री हाउस है इसको अगर आप लोग 10 में से दो, अगर आप देखो दूसरी तरफ हीरो ब्राइन की भाई साहब पार्क को, तो उसको 10 में से कितने दोगे, और मेरे ट्री हाउस को तो कमेंट में सभी लोग लिख देना। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हीरो ब्राइन को ये वाला घर ना बहुत ही पसंद आ चुका है। ओ भाई साहब चारों तरफ से देख रहा है,
एक मिनट, अभी मेरे पास एक और मूड है जिसके अंदर मैं एक ऐसा मतलब हाउस बना सकता हूँ मॉडर्न तरीके का। उसको देखने के बाद हीरो ब्राइन की सभी पार्क वगैरह फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो मॉडर्न हाउस होगा और मुझे नहीं लगता कि हीरो ब्राइन ऐसा वैसा कुछ कर सकता है। लेकिन ये हीरो ब्राइन इसके अंदर क्यों चला गया? लेकिन एक मिनट गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरो ब्राइन वो घर देखने के बाद जो अभी मैं स्पॉन करने वाला हूँ अपने भाई जीरो ब्राइन को बुलवा ले, और जीरो ब्राइन तो हीरो ब्राइन से भी 10 times ज्यादा पावर। ओ हीरो ब्राइन, बताओ अब कैसा लगा मेरा ट्री हाउस? एक तरफ तुम्हारी पार्क है, दूसरी तरफ मेरा पार्क हाउस, तो अब तुम खुद ही बताओ। तो गाइस, हीरो ब्राइन का मानना है कि तुम्हारा ट्री हाउस बिल्कुल बेकार है। तुम ये सब छोड़ो, हम लोग एक और टॉपिक पे काम करते हैं। तुम भी एक मॉडर्न हाउस बनाओ अपने मूड की मदद से, और मैं अपनी पावर की मदद से एक मॉडर्न हाउस बनाता हूँ। फिर जाके पता चलेगा कि किसके अंदर कितना दम है। क्योंकि गाइस देखो ना, हीरो ब्राइन की बात भी तो कुछ हद तक मैं मानूंगा, क्योंकि एक तरफ मैंने ट्री हाउस बना दिया, दूसरी तरफ हीरो ब्राइन ने एक टावर बनाया और एक पार्क बना दी। अब इन दोनों चीजों को अपने हाउस के साथ तो कंपैरिजन इनका बनता नहीं है, क्योंकि हाउस का हाउस के साथ होगा। ओके, अभी हीरो ब्राइन बहुत ही गुस्से में था और वो बेचारा अपने एरिया में दोबारा चला गया। तो फाइनली गाइस, अभी मैं यहाँ पर स्पॉन करने वाला हूँ एक मॉडर्न हाउस को, क्योंकि मेरे पास बहुत ही खतरनाक वाले मूड्स हैं जिनके बारे में हीरो ब्राइन सोच भी नहीं सकता। और एक मिनट भाई साहब, वो वाला हाउस किधर? एक मिनट, कोई अच्छा सा भाई, एक मिनट, इसको ही स्पॉन करके देखते हैं। आई थिंक ये मुझे हीरो ब्राइन के सामने प्रो साबित कर देगा। और फाइनली गाइस, यहाँ पे एक मॉडर्न हाउस आप लोग देख सकते हो कि मैंने स्पॉन कर दिया है। हीरो ब्राइन तो देखेगा भाई साहब, साथ ही साथ वो गुस्से में ना आ जाए, क्योंकि ऐसा मॉडर्न हाउस बनाना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन गाइस, इस घर में मुझे एक चीज थोड़ा सा डाउटफुल लगती है। अगर इसमें वाइट की जगह अगर येलो कलर होता तो बेस्ट लगता, लेकिन वो बाद में मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए तो ये भी बेस्ट लगता है मेरे को। चलो अभी आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो हीरो ब्राइन के टावर के साथ। भाई साहब, दूर दूर तक नहीं बनेगा। एक मिनट, अभी मैं हीरो ब्राइन के पास जाता हूँ और उसको, अरे एक मिनट, बाप रे बाप, आप इसने क्या बना? ओ लगता है हीरो ब्राइन ने भी मॉडर्न हाउस बना दिया। लेकिन ये कैसा मॉडर्न हाउस है? ऐसा लगता है 500 साल पुराना है। भाई साहब, हीरो ब्राइन, ये तुमने क्या क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ पे? ये क्या बनाया तुमने? ऐसा घर बनाने से अच्छा था कि तुम ना ही बनाते। भाई बिल्कुल बेकार है, 10 में से एक भी नहीं दूंगा, बल्कि सिफर दूंगा इसको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हीरो ब्राइन गुस्सा तो मत करो ना। भाई साहब, हीरो ब्राइन कह रहा है कि तुम इसके अंदर जाके देखो, तभी पता चलेगा। ओके, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन बाहर से लुक इसकी अच्छी भी नहीं है। हमारे घर के सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। अभी हीरो ब्राइन जब वो देखेगा ना, तभी पता चल, अरे वाह, यहाँ से व्यू क्या ही अच्छा आता है। सामने विलेज भी है और हीरो ब्राइन का पार्क भी। बस ये चीज मुझे थोड़ा अच्छी लगती है यहाँ पे, और बाकी तो हमारा घर भाई साहब, पता नहीं, अभी तो मैंने उसको पूरा देखा भी नहीं है। अभी हीरो ब्राइन को जाके मतलब लेके जाऊंगा ना, तो फिर पता चलेगा अंदर उसके क्या क्या चीजें हैं। बस इतना था। ओके, एक फ्लोर अभी भी नीचे थी। लेकिन गाइस, आप लोगों को अब देखो, बाहर वाली लुक से एक तरफ हीरो ब्राइन का मॉडर्न हाउस है तो दूसरी तरफ मेरा मूड की मदद से। तो आप लोग कमेंट में बताना कि ये मॉडर्न हाउस आपका मतलब आपको किसका बेस्ट लगा, हीरो ब्राइन या फिर मेरा। हीरो ब्राइन, अभी मैंने तुम्हारा देख लिया, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा अभी, बस तुम एक बार मेरे साथ चल के देखो, तभी पता चलेगा और तभी तुम्हें सच्चाई मालूम होगी कि आखिर तुम मूड्स के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। एक एक मिनट भाई साहब, अभी मैं हीरो ब्राइन को लेके जाने वाला हूँ। अरे भूतनी वाले, गुस्सा मत करना। हीरो ब्राइन, अरे रुको भाई साहब, इसकी स्पीड तो चेक करो भागने की, ऐसा लगता है जैसे मेरे को खा जाएगा। हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन, गाइस आप लोग हीरो ब्राइन के लिए कमेंट में कुछ लिखना, और क्योंकि हीरो ब्राइन ये घर देके एकदम से बावला हो चुका है। लेकिन क्यों? क्योंकि हीरो ब्राइन के बस में बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऐसा घर स्पॉन कर पाए या फिर बना पाए। बाप रे बाप,
कहीं ये इस घर को तोड़ ही ना दे। लेकिन हीरो ब्राइन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसके मन के अंदर अच्छी चीज़ों की हमेशा इज्जत रहती है। और हीरो ब्राइन खुद एक मोब है, क्योंकि वो इंसान नहीं है। वैसे आजकल के इंसानों से तो भाई साहब मोब भी अच्छे हैं। ओ अरे, हीरो ब्राइन तो अंदर चला गया। लगता है हीरो ब्राइन को मेरा घर बहुत ही पसंद आया। हीरो ब्राइन कुछ तो बताओ मेरे को। भाई क्या ही घर है, मैं भी पहली बार इसकी लुक देख रहा हूँ अभी, क्योंकि उस टाइम मैंने बनाया तो था इसको, लेकिन मैं हीरो ब्राइन का घर देखने चला गया था। और अभी तो हीरो ब्राइन इस घर के अंदर ऐसे घूम रहा है जैसे इसके बाबूजी ने बना के दिया हो इसको। और गाइस मैं आप लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, ये वाला हाउस ना मुझे बहुत ही ओपी लगा। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में बताना, क्योंकि ये 2 बल्कि 3 स्टोरी हाउस है। इसके टोटल रूम मिला के 6 से 7 बनते हैं, और उसके अंदर टीवी लॉन्च, बुक्स लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ है भाई साहब। और बाहर पार्किंग एरिया भी है अगर कोई गाड़ी वगैरह हमारे पास होती, लेकिन वो हीरो ब्राइन ही बना सक। एक मिनट, ये हीरो ब्राइन क्या कर रहे हैं भाई साहब? लगता है हीरो ब्राइन गुस्से में है। अभी निकलो भाई साहब। और मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, इस घर में थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा इसमें चेंजिंग भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर कब्लस्टोन वाले यहाँ पर स्टेयर्स लगाता हूँ, और उसके बाद एक और भी काम करना है तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा। और फिर आप लोग हम लोगों को बताना कि आखिर में नूब कौन है और प्रो कौन है। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि ये वूल वाइट मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर येलो वाले लगाने वाला हूँ। तो उसके बाद लुक चेक करते हैं कि अभी हमारा हाउस कैसा दिखेगा। तो अभी यहाँ पर भी मुझे लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं काम करता हूँ ये पूरे वाइट में नहीं हटाऊंगा, बल्कि इसी वाली लेयर पे जस्ट मैं लगाने वाला हूँ येलो वाले वूल। और गाइस अभी आप लोग देखना इसकी लुक। तो फाइनली गाइस अभी आप लोग देखो ये वाली जो येलो वाली मैंने लेयर लगाई है ना, कैसी लगी कमेंट में बताना, या फिर वैसे थी। ओ हीरो ब्राइन भाई साहब विजिट करके आ चुके हैं। हीरो ब्राइन, अरे ये मेरे को मार क्यों रहे हो तुम? अगर तुमसे नहीं होता तो तुम मान लो कि तुम नूब हो, बस प्रो मैं बन गया। गाइस लगता है हीरो ब्राइन अभी भी नहीं मान रहा। ओ हीरो ब्राइन मान गया कि वो नूब है आज की वीडियो के बाद। फाइनली गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा मॉडर्न हाउस कमेंट में बताना, और क्या इस टॉपिक पे आप लोग और भी वीडियोस देखना चाहते हो वो भी बताना। और आप लोगों की नजर में आज का प्रो कौन है, हीरो ब्राइन या फिर मैं, ये भी आप सभी लोग बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट आने वाली मजेदार वीडियो आप सभी लोग देख पाओ। वीडियो को तो लाइक अभी कर दो ना।